सबसे पहले आपसे सवाल ये है एम पी ए मुफ्ती उबैदुररहमान साहब काफ़ी महीनों से आपके डिस्ट्रिक्ट में डी एच ओ नहीं है काम पेंडिंग पड़े हुए हैं सेहत का निज़ाम खस्ताहाली का शिकार है क्योंकि मैंने विजिट किए हैं अस्पताल के वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे टू तो बी ऑनस्ट जो चीज़ मैंने देखी है वो फिर मैंने बताई भी है मीडिया के सामने लाई भी है तो आ, क्या आप नहीं समझते ये आपकी नहली नहीं है डी एच ओ क्यों नहीं है अपने तो से हालिया दिनों में डीसी ऑफिस के लिए कुछ पोस्टों का एडवर्टाइज़ किया गया उसके बाद नौजवानों ने अप्लाई भी किया फिर उसका रिजल्ट एनटीएस वेबसाइट पर शाया होने से पहले डीसी ऑफिस पहुंच जाता है जो कि अगर देखा जाए चले पहुंच गया है तो पहले पब्लिक तो नहीं होना चाहिए ये चीज़ तो गलत है उसके बाद फिर डायरेक्टली ये इल्ज़ाम आप पर लगे हैं कि इस पर आप भी इसमें आप भी मुल्व हैं <laughs> आपने भी रिश्वत ली और डिप्टी कमिश्नर कोले पालस जो थे उनका भी कहा जा रहा है इसमें कितनी हकीकत है आपने पहले एक जवाब दिया उसको मैं काउंटर करना चाहूँगा कि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनकी इज्जतें उछाली जाती हैं। तुम तो यहाँ एक अहम सवाल है तो ये ऑफिसर्स कार्रवाई क्यों नहीं करते ये क्यों खामोश हो आपके डिस्ट्रिक्ट में पैरामेडिक्स के जो नौजवान हैं, वो बेरोजगार कर रहे हैं आ, मेरे ख्याल में पहले पोस्टें आई हुई थी फिर बैन लग गया है उन उस उन पोस्टों को बहाल करने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं आपकी जान जी सेक्रट्री हेल्थ को डी एच ओ की तैनाती के लिए अपने बैड पर सिफारिशा लिखे मैं सोच रहा था इसके आर आज क्या है बहरहाल आपने वजाहत दे दी है इसके साथ साथ हमारा अगला सवाल ये है कि आर एस सी पालस दो हज़ार दस में जिसका संग बुनियाद रखा गया है खस्ह हाली का शिकार है दो हज़ार बीस दो हज़ार बल्कि इक्कीस आ चुका है 11 साल बीत चुके हैं मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा कभी आपने दिलचस्पी ले ही ली है कि यार वहाँ भी एक हॉस्पिटल बनना बन रहा है उसको ज़रा देखें एम बी ए साहब आखिरी सवाल है आपसे और इम्पॉर्टेंट सवाल है जब से आप बरसर इकतदार में आए हैं आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना फ़ंड लाया है और कौन कौन से तरक्याती मंसूबे इसमें शामिल हैं सवाल है हालांकि मैं टूरिज्म को टच करना भूल गया था मुफ्ती साहब Uh, 2018 की बात है सतारह अट्ठारह में एक लिस्ट जारी होती है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानब से उसमें मुड़ो माली uh, टूरिज्म स्पॉट में शामिल था फिर उसको बाद में निकाल दिया गया यकीन माने मुझे बहुत दुख हुआ मगर अभी आपने कहा कि उसके लिए रोड मंजूर हो चुका है हाँ? तो ये रोड कहाँ से निकल रहा है और ये कब तक इसका टेंडर होगा उस पर काम कब शुरू होगा ये इंपॉर्टेंट चीज है बसमरिम अल्लाम वरम वर्क नाजिन आप देख रहे हैं कोहिस्तान टी वी में हूँ आपका मेज़बान सैफुल्ल कोहिस्तानी एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं नाजिन आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान हैं एम पी ए पी के सतईस मुफ्ती उबैदरहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्लीमानी लीडर भी हैं इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं इसके साथ साथ डेढ़ चेयरमैन भी हैं बहुत शुक्रिया एम पी साहब आपने कोहिस्तान टीवी को वक़्त दिया एम पी साहब आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में जो मसाइल हैं इसके साथ साथ हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू हैं हम उस पर बात करेंगे सबसे पहले एम पी साहब तीन साल गुजर चुके हैं आपके डिस्ट्रिक्ट बने हुए एस आप भेजी होंगी बहुत सारी एस अप्रूव भी नहीं हुई हैं अभी अभी सुनने में आ रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की सिर्फ एस अप्रूव हुई हैं ऐसे अप्रूव कराने के लिए आपने कोई भाग दौड़ की है आपने कोई, कोई कोशिश की है बसमी सबसे पहले मैं कोस्तान टीवी का तय दिल से मशकूर हूँ और सैफुल्लाह खान मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मरहलवार हर अहम मौक़े पर आपने हमारे मौकफ़ को हमारे आवाम कोस्तान के आवाम हमारे मुल्क के आवाम के सामने रखने का अहतमाम किया है यही बुनियादी किरदार होता है मीडिया का आप मुखलस हैं और आपके टी वी मुखलसाना और ग़ैर जानबदाराना रिपोर्टिंग कर रही है इसलिए अल्लाह ने आपको कम वक्त में बड़ी पजराई बख्शी है हमें खुशी है और हमारी दुआ है अल्लाह ताली मजीद तरक्रएं जहाँ तक आपके कोशत का ताल्लक़ है तो सैफुल्ला इस तरह है कि अल्लाह के फजल वक्रम से मैं समझता हूँ कि मेरे साथ मेरी कौम के गरीबों के बेवाओं के तड़पते और सुसकते हुए लोगों के दुआएं हैं मैं तो इस काबिल न था लेकिन अल्लाह तबारक व ताली के फजल करम से इस दो ढाई साल के दौरान जितने काम हुए हैं मैं फ़खर से कहता हूँ कि हमने तारीख रकम की है ये महज और अल्लाह का करम है तो जब मैं आया था तो ज़रा थोड़ा सा पीछे नज़र लेके दौड़ाते हैं जब मैं आया था तो पालस में एक क्लर्क से लेकर डीसी तक किसी अफसर का नाम निशान नहीं था तमाम अफसरान से महरूम था सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोले पालस का एक नोटिफिकेशन के कागज के सिवा इस डिस्ट्रिक्ट में किसी कस्म का कोई आफिस या कोई अफसर या वहाँ पे रिहाइश की कोई जगह या कोई मनज़म इदारा कुछ भी नहीं था अल्लाह ने किया जब जब हम आए उसके बाद हमने अफसरान बाला को वहाँ मुंतकिल कराए जो ऐसी नीज़ नहीं हुई थी उनको हमने अप्रूव कराया मैं आपको एक दर्जन ऐसी नीज़ बता सकता हूँ जो मेरे दौर में अप्रूव हुई अफसरान को हमने भेजा आज गुजत दिनों में डिडक कमेटी का मीटिंग मैंने बुलाया था तो उसमें मैं गिन रहा था कि 20 से 25 अफसरान डिस्ट्रिक के मख्तल इदारों के मख्तल महकमों के वहाँ मौजूद थे मुझे इस बात पर फख्र है और बाकी कुछ एसिनज नहीं हुई थी इसके लिए मैं मुसलसल दौड़ता रहा मुसलसल दौड़ता रहा गुजत दिन अलहमदिल्ल पुलिस की एसनी जो सबसे एक अहमियत रखती है किसी डिस्टिक में और उसमें वेकेंसीज़ भी इतनी हैं कि हमारे बेरोज बेरोज़गार नौजवानों के लिए बड़ा सहारा है 322 पोस्टें मंजूर हुई डीपीओ ऑपरेशन और एसपी पी इन्वेस्टिगेशन और डी और इंस्पेक्टर्स एस की तमाम पोस्टें मंजूर हो चुकी हैं इस पर मैं आपको कोस्तान टीवी को और कोस्तान टीवी के ज़रिए तमाम अपने हलके के अपने डिस्ट्रिक्ट के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और इसके अलावा अब मेरे सामने अहमियत के हामिल दो ऐसी नीज रह चुकी है एक सेवल डिफेंस की ऐसी सीनी रह चुकी है और एक उस रज़कात की ऐसी सी नहीं रह चुकी है बाकी पापुलेशन, फूड और हेल्थ एजुकेशन डीसी ऑफिस ये सारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये दो ऐसी नीज़ के हवाले से मेरी कल मीटिंग हुई है मिनिस्टर साहब से वो बिल्कुल वहाँ मीटिंग के लिए तैयार है हफ्ता पंद्रह दिन में इन शाह तल ये एसनीस भी मंजूर होंगी उसके बाद हमारे नौजवानों के लिए बहुत सारी वेकेंसीज़ भी इसमें पैदा होंगी बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी तो ये एसनीस का मामला काफ़ी हद तक मैं मतमिन हूँ मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मसला हल हो चुका है अलहमदिल्ल ठीक हो गया एम पी ए साहब एक आपने बात की कि उशर ज़क़़त चेयरमैन की जो एसनीस है अभी तक काफ़ी अरसे से ये बात चली आ रही है कि आज हो रहा है कल हो रहा है फाइनली एक लंबा अरसा बीत चुका है जो लोग मुस्तक़ हैं वो किस तरह मुस्तफ़ हो सकें कोई क्राइटेरिया बनाया गया है इस लंबे अरसे में क्योंकि चेयरमैन है ही नहीं है उनको कोई जक़ात वगैरह मिल जाए वो मुस्तफ़ हो सके इस तरह का क्राइटेरिया बना हुआ है बिल्कुल सैफुल्ला खान ये मैं अपने कोस्तान टी के जरिए तमाम अपने आवाम को बताना चाहता हूँ वो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो मैं अपना हक ले कर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोले पालस का जो हक़ हाँ है उस रजात में जो फंड तकरीबन दो तीन साल से पेंडिंग है वो फंड यहाँ से भी रिलीज़ हो चुका है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट में है उसमें भी ये है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोले पालस का चेयरमैन नहीं है वहाँ ऐसी नहीं मंजूर नहीं हुई लेकिन जो चेयरमैन तीनों डिस्ट्रिक्स का एक चेयरमैन पहले हुआ करता था उसी मामूल के मुताबिक वो जो एक चेयरमैन है अपर कोस्तान का चूँकि लोअर में भी नहीं है कोले पालस में भी नहीं है उस चेयरमैन से हमने बात करके हमने अपने हकूक़ को अपने फ़ंड को यकीनी बनाया है और उसके लिए तरीक़ार अभी वो पहले वाला तरीक़ार चूँकि फरसूदा था उसमें बदनवानियाँ भी हुआ करती थी अब उसको फिल्ट्रेशन करके इतना साफ शफाफ निज़ाम बनाया गया है हमारी इस हुकूमत में कि हमने बैठ के उस पर बड़े बड़े गौर खोज करके ये एक निज़ाम बनाया गया है कि वहाँ से हर एक जो छोटा हलका है उसमें से तीस से साठ तक मुस्तकिन की लिस्ट भेजी जाएगी यहाँ सूबाई हुकूमत को सूबाई हुकूमत उनके डेटा देख कर उनमें जो ज़्यादा मुस्क हैं उनमें जो ज़्यादा नादार हैं ज़्यादा गरीब हैं बेवा हैं यतीम हैं उनके नामोनेशन करके उनको आ, 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 जो जो ज़्यादा मुस्तक हैं डेटा में उन्हें को सिलेक्ट करेगी यहाँ से पिशावर सेकट्रेट से, से उनकी सिलेक्शन होगी और ये पैसे फिर उनके अकाउंट में जाएंगे किसी को खुरद बुरद की किसी को बदनवानी करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई सारा निज़ाम जो है अब डिजिटल हो गया, हो गया। और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलके के लिस्टें आ भी चुकी हैं और उसमें जो कुछ कमी है वो भी आएंगी वो ये मैं आपके ज़रिए आपके टीवी के जरिए अपने आवाम को बता देना चाहता हूँ कि एक पैसा भी हम अपने हलके के किसी को इनशाला लेने नहीं देंगे हम अपना हक़ हाँ को छीन कर लेंगे और ये एक बात मैंने मिनिस्टर से भी की है वहाँ जो हमारे सूबाई उशर जक़ात हैं उनसे भी बात हुई है उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि डिस्टिक कोले पालस का जो फंड है तकसीम करके तीनों डिस्टिक्स में वो जो हिस्सा है वो हमें इन मिलेगा और हम अपने गरीबों को पहुँचा कर ही दम लेंगे ठीक हो गया एम पी साहब यहाँ एक बड़ा सवालिया निशान है सवालिया निशान ये है कि आप कह रहे हैं कि लिस्टें भेजी गई जो मुस्तक थे उनको सिलेक्ट किया गया है लिस्टें वापस आ चुकी हैं हमारी इतलात के मुताबिक बल्कि हमें टेलीफोन कॉल्स भी मौसू हुई हैं उन लिस्टों में जो मलकान है मशरान है जो पावरफुल तबका है उनके नाम है उनमें मुस्तकिन का नाम नहीं है इसमें कितनी सदाकत ये बात मैं बताना कबल वक्त था इसलिए नहीं बताना चाह रहा था लेकिन आपने सवाल पूछा तो इसमें इस तरह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोले पालस के चेयरमैन मंतखब होने में कुछ देर लग गई इधर शुबाई हुकूमत का फैसला था कि भाई जल्द अज जल्दी मस्तक की लिस्टें भेजी जाए तो उसमें फिर वहाँ के जो मुकामी उस रजात कमेटी के जो दफ्तर वाले थे जो स्टाफ था उनसे एक गलती ये हुई कि डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में अगर चेयरमैन नहीं हैं तो वो जो सेकटरी पुराने चले आ रहे हैं कुछ रत में कुछ सिक्ट्री होते हैं हर हल्के के एक सिक्ट्री सिक्ट्री के पास पाँच से सात हल्के होते हैं तो उन सिक्ट्रीज को फारम दिए गए कि भाई ये सिक्ट्री हर हल्के में मुस्तक ढूंढ कर उनके नाम भेजें सूबाई हुकूमत को तो वह सेक्ट्री चूंकि ज़्यादातर अपर कोस्तान के हैं उन्होंने वो जो लिस्टें भेजी हैं वो अपर कोस्तान वालों ने उस में ये हुआ है कि वह जानते नहीं थे या उन्होंने कसदन किया है कुछ मस्तकिन ज़्यादातर मुस्किन को छोड़ कर दूसरे लोगों के नाम भी भेजे गए हैं तो इस हवाले से मेरी मीटिंग हुई है मैंने वो फ़ंड रुकवाया है फ़िलहाल कि भाई यह इसके छानबीन करें वाकई अगर मुस्तक हैं तो उनको छोड़ दिया जाए अगर उनमें कोई गैर गैरमस्तक आ गया है तो उसकी जगह मस्तक को डाला जाए यह छानबीन हो रही है मैं आपके इतला के लिए अपने आवाम के इतला के लिए भी ये बता दूँ कि मस्तक में अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी छानबीन होगी ज़रूर लेकिन हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे क्योंकि ये गरीबों का, का माल है ये का माल है ये यतीम और बेहू का है हम चाहते हैं कि हर हर गरीब को उसके दहलीज पर उसका हक हाँ पहुँचे और इसके लिए इन शह मैं आखिरी हद तक जाऊँगा इसीलिए मैंने छान बीन शुरू करवाया करुण है ठीक है आपको जल्दी इतला मिलेगी ठीक हो गया मुफ्ती साहब होना भी इस तरह चाहिए कि एक बंदे को उसका हक मिलना चाहिए हम भी इस चीज़ पर देख रहे हैं हम चाहेंगे कि आप हमारे आवाज़ उठाने से पहले तमाम चीज़ें क्लियर कर तो इसके, इसके साथ आ, साथ मुफ्ती साहब चंद माह पहले खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलि मुझतल, इलाकों में शदीद किस्म का सैलाब आया अगर कोस्तान की बात की जाए को भी सैलाब ने बहुत तब, तबाहकारियाँ बचाई हैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोले पालस की बात की जाए डिस्ट्रिक्टले पालस में स्पेशल बर पालस हो गया कोले हो गया मदाखेल हो गया इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सैलाब ने तबाहकारियाँ बचाई हैं उसके बाद की पी डी एम एले का विजिट किया क्या डिस्ट्रिक्ट को आफत ज्यादा करार दे दिया गया है जनाब सैफुल्ला खान इसमें इस तरह है कि उन दिनों में जब यह सैलाब आया तो काफ़ी हलक था हमने काफ़ी कोशिश की कि पी डी एम वालों से कि इस डिस्टिक को आफत जद करार दे दिया जाए लेकिन जब यहाँ से टीम गई उन्होंने देखा कि वहाँ पर वहाँ की सूरत हाल इस तरह की नहीं थी कि वो उसको आफत जद करार दे दिया जाए उन्होंने हमें इनकार किया कि हम आफत जदा करार नहीं देंगे अलबतः जो 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 वहाँ पर सड़कें या रास्ते या पुल बह चुके हैं उनके लिए उन्होंने फंडिंग की है तो उस पर सबसे पहले तो मैं आपको और अपने आवाम को ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि महारान पुल जो कि तीन चार यूनियन कौंसल को, को आपस में मिला रहे थे उसके बह जाने से चार यूनियन कौनसल बिल्कुल रबता पुल कट गया था और वह मशसूर होकर रह गए थे वो पुल हमने इमरजेंसी बुनियाद पर डेढ़ से दो माह के दौरान पुल तैयार करके गुजत दिनों में उसका अफ्ताह करके आ रहा हूँ अब वहाँ भी लोगों के लिए सहूलत मैसर है और बर पालस रोड था शराकोट रोड था कोलई रोड था पटेड़ा रोड था इन ये रोड भी मुतासर हो चुके थे इन सब रोडों पर काम शुरू हैं तो वो भी इमरजेंसी फ़ंड में शुरू हैं तो कुछ ज़रूरी जो काम जो मुतासर हो गए थे स्कीमेंतजो जो अमलाक उसके लिए बनोबस हो चुका है लेकिन जिले को आफत ज्यादा करार नहीं दिया लेकिन इमरजेंसी फंड हमें मिला है ठीक हो गया -क्यू आपके दौरे में मंजूर हो चुकी है इसका काम कब शुरू होगा और ये कब पाए तकमील तक पहुंचेगी सैफुल्ला खान इसमें मैं आपको मुख्तर यह बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ये डिस्ट्रिक्टर हॉस्पिटल इन शेरे इस कॉले पॉलिस के आवाम के लिए दो सौ साल तक काफ़ी है ये अस्सी से सौ कनाल पर बनेगा और इसकी मंजूरी भी हो चुकी है इसके लिए फंड फंड का फंड भी मुख्तस हो चुका है अठानवे अच्छा। करोड़ रुपये और इस पर हायर कलसनटन को हायर किया गया है ज़मीन भी मुख्त की गई है तो वो जो कलसनटन है वो इसका मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं जो ही मास्टर प्लान तैयार होगा तो इस पर टेंडर होकर काम शुरू है कलसनटन अपना काम कर रहा है काफ़ी वक्त से कर रहा है तो चूंकि एक चीज़ की वहाँ पे कमी है डी एच हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज पालस का फ़िलहाल नहीं था उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और उसी की तरफ से रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाएगी तो बहरहाल उस पर काम शुरू है जल्द इन टेंडर होकर इस पर काम शुरू होगा और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन मेरे इस दौर में अगर ज़िंदगी रही मैं कोशिश करूँगा कि ये आखिरी हद तक पहुँचे क्योंकि ये हमारा एमेर, हमारी इमरजेंसी ज़रूरत है हमारी कौम की तो इस पर हम इन शाह ज़्यादा जोर लगाएंगे और ये हमारी पूरी कौम इस पर मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि जिनके जदोजहद से मैं मेम्बर बना हमारे जद ज़्द जद से ये सारे काम हो रहे हैं तो यह क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि मेरी कौम को जाता है ठीक हो गया एम पी ए मुफ्ती रहमान साहब आपके बात करेंगे मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस इशू पर बात करना जरूरी है सबसे पहले आपसे सवाल ये है एमपीए मुफ्ती ए रहमान साहब काफ़ी महीनों से आपके डिस्ट्रिक्ट में डी एच ओ नहीं है काम पेंडिंग पड़े हुए हैं सेहत का निज़ाम खस्तहाली का शिकार है क्योंकि मैंने विज़िट किए हैं अस्पताल के वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे टू तो बी ऑनेस्ट जो चीज़ मैंने देखी है वो फिर मैंने बताई भी है मीडिया के सामने लाई भी है तो क्या आप नहीं समझते ये आपकी नहली नहीं है डी एच ओ क्यों नहीं है इतने अरसे सैफुल्ला खान इस तरह है कि डी एच ओ का होना हर हाँ डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरी है क्योंकि जिस काम में डिस्ट्रिक्ट के और महकमा के सरबरा दिल की हैसियत रखता है दिल हो तो फिर बाग आज़ा काम करते होते हैं तो मुझे इस चीज़ का एहसास है लेकिन चूंकि पहले हमारा डी एच ओ जो इकराम साहब थे उनकी अचानक ही ट्रांसफ़र हो गई उनको उठाया गया वहाँ से तो उसके बाद अब एक इशू ये बना है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अदालत का फैसला है कि जो हेड्स हैं उनको मैनेजमेंट कैडर के अफसरान को लगाए जाएं। और मैनेजमेंट कैडर के अफसरान हमारे सूबे में बहुत ही कम हैं और जो हैं वो है वो भी ये हमारे जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इब्ट है और इधर हरिपुर है पिशावर मर्दान है इन डिस्ट्रिक्ट्स के ज़्यादा हैं तो वो लोग को जाने के लिए तैयार नहीं है मेरे इस डी एच ओ के जाने के बाद कुछ पाँच महीने हो रहे हैं इसमें मेरे ख्याल कोई पंद्रह प्रपोज़ल गए हैं लेकिन फिर आगे से इस्टबलिशमेंट डिपार्टमेंट उसको वापस कर रहा है क्योंकि अदालत की डायरेक्शन है कि मैनेजमेंट कैडर के अलावा किसी जनरल कैडर के, के बंदे को ना लगाया जाए नंबर एक ये इशू है इस इशू की वजह से कोई कोई द, द, दस पंद्रह प्रपोज़ल हमने भेजे कुछ अरसा मैंने इंतज़ार किया उसके बाद मैंने जब मिनिस्टर से बात की तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप दो तीन नाम दे दें उनमें से हम भेज देंगे जो लोग जाने के लिए तैयार हैं हम तो किसी को तैयार नहीं कर सकते जिसके बुनियाद पर मैंने कुछ लोकल और एक एक दो कुछ बाहर के जो हमारे जानने वाले थे उनके मैंने नाम दिए कि ये लोग जाने के लिए तैयार हैं मैंने अपने लेटर पेड पर पे लिख के दिया लेकिन उनको भी एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई कुछ तो इनमें से सेवनटीन के हैं जो डी हाँ एलिजिबल नहीं है और कुछ इसमें मैनेजमेंट कैडर के, के नहीं है जनरल कैडर के, के हैं उनको भी वापस कर दिया अब आज से दो दिन पहले मेरी मिनिस्टर से मुलाकात हुई है तो उन्होंने मेरे साथ यह वादा किया है कि हफ्ता से दस दिन के अंदर अंदर किसी को मैं भेज दूंगा अगर वो जाने के लिए तैयार ना हुआ तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा करूँगा तो यह सिचुएशन है कुछ इसमें यह हमारा बेगवर्ड इलाका होने की वजह से दूर दराज होने की वजह से वो अफसरान जो मैनेजमेंट कैडर के हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं होते ये एक इशू है ठीक हो गया एम पी ए साहब हमारा अगला सवाल भी यही था कि आपने सेक्रेटरी हेल्थ को डी एच ओ की तैनाती के लिए अपने पैड पर सिफारशा लिखे मैं सोच रहा था इसके आराजो मकासद क्या है बहरहाल आपने वजाहत दे दी है इसके साथ साथ हमारा अगला सवाल ये है कि आर एस सी पालस 2010 में जिसका संग बुनियाद रखा गया है खस्ता हाली का शिकार है दो हज़ार बीस बल्कि इक्कीस आ चुका है 11 साल बीत चुके हैं मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा कभी आपने दिलचस्पी ले ही ली है कि यार वहाँ भी एक हॉस्पिटल बनना बन रहा है उसको जरा देखें सैफुल्ला खान पहले तो मैं आपका पहला सवाल जो पेड़ पर लिख के देने का सवाल है आजकल हमारे एक सोशल मीडिया की एक लहर चल पड़ी है अल्लाह फरमाए अल्लाह ताला हमारे लोगों को ज़रा मस्बत रवैये पर जाने की तोफ़ी दे हमारे जो न्यू नस्ल हैं छोटे बच्चे हैं नए नए मोबाइल मिले हैं डिस्ट्रिक्ट नया मिला है तारीख़ में कभी अफसरान को देखा नहीं है तो वो हर एक अफसर के पीछे दूरबीन लगा के अफसरों को ब्लैक मेल करना अफसरों को बेअत करना अफसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना ये रवैये अच्छे नहीं होते मैं अपने दोस्तों को अपने भाईों को अपने अजीज जो मेरे मेरे जो छोटे हैं उनको ये नसीहत करना चाहता हूँ कि ज़िले और इदारे और इलाक़े इस तरह नहीं चलते ये अफसरान पिशावर में भी हैं इबाबाद में भी हैं पूरे सूबे में हैं पूरे मुल्क में हैं कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में यह रवैया नहीं होता कि अफसरान के परद करें उन इल्जाम तराशी करें उनके उनको जलील करें उनको रसवा करें यह तरीक़ा नहीं होता और तो ये हमारे सोशल मीडिया वालों से मेरी ये गुजारश है कि अपने रवये को हम ठीक नहीं करेंगे तो इस तरह हम जिले और इस तरह तहसील और तरक्की के राह पे गामजन नहीं हो सकते अपना रवैया थोड़ा सा नरम रख के जिस तरह शहरों में लोग रहते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्स में लोग रहते हैं जो रवैया उनके अफसरान के साथ होता है इस तरह बेहतरीन कस्म के इफ़ेक्ट्स होनी चाहिए तो मस्बत्य पर हमें जाना चाहिए तो मैं मैंने पेड़ पर पे देने का जो सवाल है आपने कहा यह हमारी ये एक कौमी जिम्मेदारी है कि हम किसी इशू पर भी आवाम को मुश्किल हों मफाद आम के खातिर हम लिख कर भी देते हैं जबानी भी हम कहते हैं इसम्बली में भी हम कहते हैं मन, मनिस्टर को भी हम कहते हैं वजरा को भी हम कहते हैं अगर हमारे लिख के देने से वो कोई अगर ऐसा मामला है कि पॉलिसी और रूल्स के मुताबिक नहीं है तो वह मुतलक इदारे उसको रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन ये हमें हमारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि हर एम पी ए की जिम्मेदारी है कि वो रिकमेंड करें वो अपने मसाइल को लिख के भी दें जबानी भी बोले इसम्बली में भी बोले तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हरज नहीं है मैंने बिल्कुल लिख के दिया है मुझे ये मिनिस्टर की तरफ से हिदायत थी कि आप अपनी तजवीज़ दें अगर वो एलिजिबल हुआ तो हम उस पर अमल दरामद करेंगे और कहा भी था कि तीन नाम दे दें मैंने तीन नाम दिए लिख के तो वो एलिजिबल नहीं थे इसलिए मनिस्टर साहब ने कहा कि इसमें तो मसला है फिर मैंने कहा अपने स्वाबदीद अपने मर्ज़ी पर भेजें लेकिन आनेस्ट और दयानदा और फरज शनाज अफसर भेजें ठीक हो गया। तो इन श्लाफ्ता दिन में वो हो जाएगा जहाँ तक आपने आर एस सी प पा, कु पारो की बात की है तो सैफुल्ला इस तरह है कि हमारे कुछ दस यूनियन कोंसल्स में दस बी एच ओज हैं मैं मेबर होकर मैंने कुछ पारो बी एच ओ के साथ एक लेबर रूम मंजूर करके उसके लिए मैंने फ़ंड रखा था वो अलहमदिल्ला बन के तैयार है तो कुछ पारों में बी एच ओ है तो मैं समझता हूँ कि कुछ पारों के ज़रूरत के लिए बी एच ओ ही काफ़ी था आर एस सी अस्पताल हॉस्पिटल अब हमारे जो सदर मुकाम हैं डिस्ट्रिक्ट कोले पालस का सैर गाज़ियाबाद वहाँ पर आर एस सी नहीं है होना वहां पे चाहिए। और ये वहाँ पर होना चाहिए था मेरठ और इंसाफ ये है कि वहाँ पर होना चाहिए था आवाम के अगर मफादात के खातिर बनता तो ये शर गाजी में बनता लेकिन अफसोस की बात है कि हमसे पहले हमारे दोस्तों ने जो वक्त के जो मंतखब इमरान थे उन्होंने उसको बी एच ओ के होते हुए भी आर एस सी भी कुछ पारो में बना दी इसमें फिर कुछ पालस और कोले के लोगों को वहाँ जाना पड़ता तो मैं समझता हूँ कि ये नाानसाफ़ी हुई है लेकिन हमसे पहले की बातें हैं तो हम इनको छेड़ना भी नहीं चाहते तो जहाँ तक ताल्लुक है कुछ पारो के पारिसी का तो वहाँ बी एच ओ फ्शनल है जो वहाँ के आवाम की ज़रूरत वहाँ से पूरी हो रही है जहाँ तक आरसी का ताल्लुक है तो उसका काम एरा में चल रहा है एरा वाला काम कर रहे हैं तो उस पर मैं गुजत दिनों मैंने जा के वहाँ विज़ट भी किया है और मैंने यही हिदायत दी कि अब जो काम जब शुरू हुआ है तो इसको फौरी तौर पर फंक्शनल किया जाए और ये काम फौरी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए तो इस पर इंशाला काम होगा लेकिन चूँकि आपको पता है कि एरा ख़त्म होने जा रहा है उसके फंडिंग का इशू है तो उस फंड के इशू की वजह से ये कुछ लेट है तो दूसरी तरफ उधर वहाँ पर जो बी एच यू है वो फंक्शनल है उसके साथ लेबर रूम भी हमने बनाया है उसके लिए सामान भी हम दे रहे हैं वहाँ डॉक्टर भी तैनात है तो अल्लाह की करम से हमने हेल्थ पे बहुत काम किया है हमारे दस बी एच यूज़ हैं और एक टी वी सेंटर है एक आर एस सी है के अंदर दस हाँ, कोले दे हर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज पालस में उनमें हर एक के साथ जी तेरा बी एच नहीं है नहीं दस बी एच ओज है दस बी एच हैं, दस हैं। एक टी सेंटर है और एक आर ए सी है ठीक हो गया। तो इन में हमने हर बी एच में हमने एक एम ओ जो एक डॉक्टर तयन किया है आर्डर किए हैं हमने एम बी बी एस डॉक्टर का अहतमाम किया है और इसके अलावा हमने सामान एक करोड़ का मैंने अपने स्वाबदीदी फ़ंड से फ़ंड दिया है कि इन अस्पतालों में टेबल मेज़ दूसरे जो डॉक्टर के अहम सामान हैं उसके लिए तो वो भी मुहैया किया है सामान वहाँ पहुँचा हुआ है इसके अलावा हर हर बी एच ओ के साथ लेबर रूम बनाया है ठीक हो गया इसके अलावा जो है दवाइयों का जहाँ तक ताल्लुक है इस वक्त हमारे पास दवाइयों का बहुत बड़ा वाफिर मक़दार में ज़खीरा मौजूद है लेकिन चूंकि पहले ये हमारा जो कोड वर्ड था वो लोअर कोस्तान के साथ था अलग नहीं हुआ था गुजश साल 2019 का वो दवाइयाँ हमारे पास पटन में पड़ी हैं वो पटन से हम वसूल करेंगे उसके अलावा हमारे अपने जो जो ज़ख़ीरा है दवाइयों का उसमें हमारे पास फंड भी मौजूद है दवाइयाँ भी मौजूद है किसी कस्म की कोई कमी नहीं है सिर्फ ये कमी है कि डी नहीं है और बाकी जो मेडिकल मेडिकल स्टाफ है मेडिकल टेक्नीशियन दाई एल एच वीज इनके पोस्टें अभी बाकी हैं तो वो मैंने मनिस्टर साहब से बात की है पहले उस पर था बैन वो मनिस्टर साहब ने हमारे रिक्वेस्ट पे मेरी और दीदार खान अपर के एम पी है हमारे रिक्वेस्ट की वजह से वो बैन भी ख़त्म हो चुका है अब जो ही डी एच ओ साहब आएंगे इन हम ये स्टाफ का भी तैयन कराएँगे ठीक हो गया इन शायद आपने पहले एक जवाब दिया उसको मैं काउंटर करना चाहूँगा कि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनकी इज़्ज़तें उछाली जाती हैं तुम तो यहाँ एक अहम सवाल है तो ये ऑफिसर्स कार्रवाई क्यों नहीं करते ये क्यों खामोश होते हैं देखो सैफुल्ला बात यह है कि कोस्तान वैसे बैकवर्ड एरिया अफिसर कोस्तान में भी अफ़िसर होता है वो पिशावर में भी अफ़िसर है वो इबाबाद में भी है वो तो शुक्र करते हैं कि कोस्तान से किसी तरीके से जान छूट जाए जाने के लिए तैयार नहीं होते अब वो वहाँ चले जाएँ वहाँ हमारे थोड़े से लोग हैं आबादी भी कम है वो लोग भी बेरोज़गार हैं वो सारे के सारे अफसर के पीछे दूरबीन लगा के बैठे हैं एक होता है कोई हकीकत पे मुबनी इल्ज़ाम या कोई खबर लगाना वो तो ठीक है जो सबूत है हकीकत पर मुबनी लेकिन सुनी सुनाई बातें कि उसने वो इस तरह किया उसने इस तरह किया अफसरों के पीछे जब ये सोशल मीडिया पे उनके इज़्ज़तें उछाली जाती हैं तो वो अफसर एक तो वैसे खौफजदा होते हैं और दूसरी बात वो वहाँ उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके फिर वो समझते हैं कि हमें हमारा यहाँ मुश गुजारा मुश्किल है फिर वो वो हाँ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और जब तक वहाँ होते हैं वो फिर कलम उठा के किसी का काम के लिए तैयार नहीं होते इसलिए हमारी भर्तियाँ बन हैं थोड़ी सी कोई अखबार में दे देते हैं तो इधर से हंगामे शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के नौजवान अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक, एक एक महकमे में अगर दस पोस्टें हैं और अप्लाई कुंदगान दरखास्त दहंदगान अगर हज़ार हैं तो क्या हज़ार के हज़ार सारे भर्ती हो जाएंगे उसमें वो दस पोस्टों पर दस ही बंदे भर्ती होंगे तो बाक़ी जो अपने नालायकी की वजह से जो पीछे रह जाएं, वो सारे के सारे ये इल्ज़ाम लगाएँ कि भाई नुमाइंदे ने भी रिश्वत खाई है और अफसर ने भी रिश्वत खाई है फ़लां अफसर ये रिश्वत ख़ौर है मेरठ को तबाह बर्बाद कर दिया गया है अब भाई किसी ने तो आगे आना है ना

फिर मैं मैंने आपसे अर्ज़ किया मेरे अहदेदार साहब को अपर में भी ये ये मसला है तो हमने रिक्वेस्ट की कि जी हमारा काबिल रहम डिस्ट्रिक्ट है हमारे इलाक़े के लोग काबिल रहम हैं तो इन पोस्टों पे जब तक हम तयन नहीं करेंगे अस्पताल और बी एच नहीं हो सकते जिस पर मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी करके बैन उठा लिया है अब सिर्फ इसकी देर है कि डी एच ओ तयनत हों तो दोबारा इनशा हम एडवर्टाइज़ करके ये पोस्टें हमारे पास मेडिकल स्टाफ के मुकम्मल पोस्टें मौजूद हैं हसब ज़रूरत एल, एल एच वीज़ की भी और मेडिकल टिकनिशन की भी वो हम इन शह पुर करेंगे अन करीब इन शाला हम आ, मैं अपने आवाम को यकीन दिलाता हूँ अन करीब ये अस्पताल ये वी एच ओ सारे फंक्शनल होंगे ठीक हो गया एम पी एम मुफ्ती अहम पॉइंट आपके सामने लाना चाहेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में पोलियो एडुकेशन ऑफिसर मुहैया नहीं है मैं चाहूँगा उनको भी वहाँ लगाया जाए ताकि जो पोलियो की चेक एंड बैलेंस है वो भी प्रॉपर तरीके से हो सके इसके साथ साथ एम पी ए मुफ्ती उबैदुररहन साहब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जैसे कि आपके इलम में भी है हालिया दिनों में डी सी ऑफिस के लिए कुछ पोस्टों का एडवर्टाइज़ किया गया उसके बाद नौजवानों ने अप्लाई भी किया फिर उसका रिजल्ट एन टी एस वेबसाइट पर शायद होने से पहले डी सी ऑफिस पहुंच जाता है जो कि अगर देखा जाए चले पहुंच गया है तो पहले पब्लिक तो नहीं होना चाहिए यह चीज़ तो गलत है उसके बाद फिर डायरेक्टली ये इल्ज़ाम आप पर लगे हैं कि इस पर आप भी इसमें आप भी मुल्व हैं आपने भी रिश्वत ली और डिप्टी कमिश्नर को ले पालस जो थे उनका भी कहा जा रहा है इसमें कितनी हकीकत है सैफुल्ला देखो मैंने पहले अर्ज किया है बात इस तरह है कि ये एक अलमिया है हमारे यहाँ ये एक अलमिया है वो ये हैं कि जो लोग हमें नहीं चाहते वो तो खाम में भी हमारे खिलाफ लगाएंगे। तो ये इल्ज़ाम से कोई नहीं बचता अम्बिया मुसलात व सलाम महफूज नहीं है तो हम कैसे महफूज हो सकते हैं और फिर जो भी सियासी लोग होते हैं वो मुतनाज़ होते हैं अगर एक लाबी एक ग्रुप एक जनबा हमारा है तो एक लाभी एक जनवा हमारे मुखालफ कैंडेट्स का भी है तो वो चाहते हैं कि भाई हमें किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करें लेकिन मैं समझता हूं कि ये नाकाम कोशिश है ये कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं लेकिन नाकाम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का कोई परवाह नहीं है सौ बार कोई कहे लेकिन मैंने ये चैलेंज किया है कि कोई भी मेरे हवाले से इस डीसी के भर्ती के हवाले से या इससे पहले भी एक रुपये का करप्शन साबित करे मैं अपने इस सीट से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करता हूँ लेकिन ये अब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बहुत बड़े एक रुपए का भी मैं 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 ये खुल के बाप कहता हूं। लेकिन जहां तक बात है कि डीसी साहब के ऑफिस के तालुक जो पोस्टों का ताल्लुक है ये पोस्टें डीसी साहब ने मुझे मेरे साथ मशवरा भी किया था और एनटीएस को दिया था आप जानते हैं कि एन ऐसा इदारा अगर होता कि मेरे और डी के, के एक एम और एक डी के कहने पर अगर वो ब्लैक होता तो ये पूरा मुल्क वो तो फेडरल इदारा है तमाम फोर्स आर्मी वाले पुलिस वाले अदाल अदलिया ये सारे के सारे एन टी एस पे अहतम करते हैं अगर एन टी एस इतना अतबार है इतना काबिल भरोसा नहीं है कि एक डी सी के या एक एम पी ए के, के कहने पर या उनके सिफारशा पे वो ब्लैक मेल होता है फिर तो ये इंतहाई नाकस है और ये सारे के सारे इदारे गलत जा रहे हैं कि एन टी एस को वो अंगेज करते हैं ये बात बिल्कुल कतान गलत है एन टी एस को जब दिया एन टी एस का रिजल्ट तैयार हुआ वो काबिलियत और सलाहियत के बुनियाद पर होता है तो उसमें जाहिर जाहिर सी बात है आप देख लें उस लिस्ट में वो उसमें जो फर्स्ट पे जो लड़के आए हैं उसमें में, में मेरा फेवर का कोई भी लड़का नहीं है नहीं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं ये सारे मेरे हैं इसमें मुझे जिसने वोट दिया है या नहीं दिया ये सारे मेरे हैं मैंने खुद एजुकेशन में हमने एक सौ भर्तियाँ की हैं और मैंने मेरठ में और मैंने वहाँ के जो जो मेरठ की लिस्टें बन रही थी वहाँ जो कमेटी बनी थी एजुकेशन मैंने बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं की मैंने आज़ाद छोड़ा मैंने कहा जो काबिल है उसका हक़ है उसको हक़ नहीं मारा जाना चाहिए इसी तरह एन टी एस में कुछ लड़के पहले आ गए अब जो बाद में रह गए चालीस नंबर के बाद आने सीट एक है और चाहे तिरतालीस और चवालीस और अठतालीस नंबर पर आने वाले लड़कों ने हंगामा खड़ा किया फेसबुक पर दिया दरख्वास्तें दी हाँ एक बात ज़रूर है आम तौर पर होता इस तरह है कि एन में जो चले जाएं एन का रिजल्ट तैयार होता है उसके बाद पहले मरहले में वो एन के वेबसाइट पे आता है बाद अजा फिर दूसरे इदारों से वो ओपन होता है लेकिन इस तरह हुआ इस दफ़ा कि चूंकि ये भेजने वाला डीसी ऑफिस था तो एन टी एस का जब लेस तैयार हुआ तो उन्होंने एक एक लिस्ट, आ, अपने वेबसाइट को भेजा और दूसरा लेस डी दी, सी ऑफिस को भेजा अब डी सी ऑफिस से यह पहले ओपन हुआ अब अगर ये डी सी ऑफिस से ओपन होने वाला रिजल्ट और वेबसाइट वाला रिजल्ट अलग अलग होता फिर तो ये गलत था लेकिन अगर लिस्ट वही है जो एन टी एस ने तैयार की है रिजल्ट वही है जो एन टी एस ने तैयार किया है अगर डी सी ऑफिस से पहले अगर ओपन हुआ तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतनी हरज की बात नहीं है लेकिन मामूल के ख़िलाफ़ हुआ था इस पर फिर काफ़ी बातें हुई सिटीज़न पोर्टल पे भी उसके इंक्वायरी हो रही है कमिश्नर भी इंक्वायरी कर रहा है कुछ भी नहीं निकलेगा इंक्वायरी में मैं यकीन दिलाता हूँ आपको लेकिन उसके बावजूद भी जो भी वहाँ इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आती है हमें अपने कमिश्नर ऑफिस पे भी अहतमाद है और मैं कतान इस मामले में डी सी साहब को किसी किस्म के बद, बदनमानी में मुलवस होने का बिल्कुल आ, नहीं कह सकता इस मामले में डी सी साहब फेयर थे तो इस तरह इल्ज़ाम पर भी मुझे अफ़सोस होता है क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बदनाम होता है मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया मुफ्ती साहब आपके नौजवानों ने आपके डिस्ट्रिक्ट को आपके कोस्तान को इतना बदनाम किया है कि पूरे सूबे से अफसर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ हालांकि वहाँ इधर तो अरबों फंड होते हैं वहाँ होता क्या है कोस्तान में क्या है अफसरान के लिए रिहाइश उनके लिए उनके शाया निशान नहीं है ऑफिस उनके लिए उनके शाया निशान नहीं है गाड़ी उनके लिए उनके शाया निशान नहीं है वहाँ उसके बावजूद वो खदमात अंजाम देते हैं हाँ ये बात ज़रूर है कि मैं किसी करप्शन के किसी बदनवानी की मैं हौसला अफजाई नहीं करता सबूत के साथ अगर हो तो हमारे पास इदारे मौजूद हैं करप्शन के ख़िलाफ़ काम करने के लिए हमारे पास एंटी करप्शन मौजूद है हमारे पास नेम मौजूद है हमारे पास अदालत मौजूद है हमारे पास वहाँ जो जो शिकायत सेल मौजूद है सिटीज़न पोर्टल मौजूद है यहाँ वजी अल शिकायत सेल है वो भी शिकायत सेल है वो भी मौजूद है उसके अलावा डी सी ऑफिस हैं जो भी अफसर बदनवानी करता है उसका उसके ऊपर कोई और अफसर होता है वहाँ अप्लाई किए बग़ैर तहकीक़ किए बग़ैर सोशल मीडिया पर दे के पूरे सूबे में अपने आप को नंगा करना है मैं समझता हूँ कि ये हमारे हक में नहीं जाता नहीं। मैं अपने नौजवानों को यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कस्म के इकदाम जिससे कोस्तान बदनाम हो जिससे हमारा मुस्तबिल तारीख हो जिसके वजह से हमारे जो नौजवान रोजगार पर लगने जा रहे हैं वो भी रुक जाएँ अब ये डी सी ऑफिस में कुछ पोस्टें हैं कुछ और इदारों में पोस्टें हैं मैं दो साल से लगा हूँ कि जल्द अज़ जल्द ये फिल किए जाएँ लेकिन अल्लाह गवाह है कि अफसरान का कहना है कि हमने बेज़त होने के लिए नहीं हम आए यहाँ पे यहाँ पे जिसने भी भर्ती की है वो बेज़त होके चला गया वो कलम उठा के कोई कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है तो ये अफसोसनाक है हाँ सबूत के बुनियाद पे फिर करना चाहिए स्ट्रगल करना चाहिए माशरे के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए साफ़ शफाफ भर्ती के लिए सब की कोशिश होनी चाहिए मैं उसके तहद करता हूँ ठीक हो

लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वजर अल साहब से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि बेहतरीन मुफ्ती साहब हम आप आपको तजवीज़ देने की ज़रूरत नहीं है हम अपने मर्ज़ी से भेजेंगे जो भी भेजेंगे आपके लिए बेहतर डी सी का इंतज़ाम करेंगे तो इन शाला तब बहुत जल्द डी सी साहब का भी तयन एम पी ए साहब आखिरी सवाल है आपसे और एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है जब से आप बरसर अकतदार में आए हैं आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना फंड लाया है और कौन कौन से तरक्याती मनसूबे इसमें शामिल हैं तो ये वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और सियासी जी जी कहते हैं किरदार के अजमत को रिस्वा न किया हमने धोखे तो बहुत खाए धोखा न दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कल ही मैं कुछ तखमीना लगा रहा था कि अभी तक हमने तीन अरब दस करोड़ का फंड मंजूर कराया है अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में और मैं समझता हूं कि ये ढाई तीन, तीन अरब दस करोड़ रुपए फ़ंड मंजूर कराया है जिसको मैं आपको अलग अलग बता भी सकता हूं मैं समझता हूं कि ये तारीख में पहली दफ़ा हमारे इस हलके में दो ढाई साल के दौरानिया में इतना फ़ंड आया है और अल्लाह की फ़ल्ल करम से धड़ाधड़ काम भी जारी हैं नज़र न लगे और आवाम ने भी हमारी हौसला अफजाई की है लोग तरकैती कामों पर खुश हैं मेरा डिस्ट्रिक्ट कोलेव पालस का कोई ऐसा रोड नहीं है जिस पर मैंने फंड न दिया हो अदिल्ला टेंडर भी हो चुके हैं एक होता है ज़बानी जमा खर्च एक होता है ज़मीनी रॉलिटी तो ये मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये काम सारे के सारे ज़मीन पर हैं और टेंडर हो चुके हैं काम शुरू हैं उन पर तो तमाम रोड्स आपको मालूम है मैं आपको अलग गिनता गिनना शुरू कर दूं तो ये बहुत एक लंबी लिस्ट है बुनियादी तौर पे हमारे पालस में बर पालस रोड है।, है।, है उस पर अलहदुल्ला हमने कोई बारह बारह करोड़ रुपए रखे हैं बर पारो रोड है उस पर हमने उसके मरम्मती के लिए एक करोड़ रखे हैं कुशेर रोड के लिए हमने दो करोड़ रुपये रखे हैं गदार रोड के लिए हमने दो करोड़ रखे हैं शिकसैर रोड के लिए हमने सुख और बर रोड के लिए हमने ढाई करोड़ रुपए रखे हैं इसके अलावा सैफुल्ला खान ये शिलखनाबाद टू खरट के लिए हमने तीन करोड़ रुपए रखे हैं शिलखनाबाद के अंदर लिंक रोड्स के लिए हमने एक करोड़ रुपए रखे हैं ये सारे टेंडर हो चुके हैं और श्रयाल नाला पुल से कुछ श्रियाल बर श्रयाल के लिए दो करोड़ रुपये रखे हैं जो टेंडर हो चुका है काम जा, काम, काम शुरू होगा और शराकोट रोड शराकोट के लिए हमने कोई बारह करोड़ रुपए रखे क्योंकि इससे रोड पे अब बहुत बड़ी आबादी है तो शराल से मुडू के लिए हमने रोड मंजूर कराया है जो इनशाला हफ्ता दस दिन में उसका भी टेंडर हो जाएगा कोई साठ करोड़ का रोड अच्छा है हालांकि मैं टूरिज्म को टच करना भूल गया था मुफ्ती साहब दो हज़ार की बात है सतारह अठारह में एक लिस्ट जारी होती है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानब से उसमें मुड़ो माली टूरिज्म स्पॉट में शामिल था फिर उसको बाद में निकाल दिया गया यकीन माने मुझे बहुत दुख हुआ मगर अभी आपने कहा कि उसके लिए रोड मंजूर हो चुका है हाँ। तो ये रोड कहाँ से निकल रहा है और ये कब तक इसका टेंडर होगा उस पर काम कब शुरू होगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सैफुल्ला इसमें इस तरह है कि मैं जब मेम्बर बन के आया था पहले साल मैंने यहाँ से जी साहब को अपनी गाड़ी देकर अपना स्टाफ साथ भेजा था उन्होंने जाके वहाँ इलाके का विज़िट किया मुड़ू माली के लिए रोड कहाँ से जाना चाहिए विज़िट करके आगे उसके बाद एफ़ डब्ल्यू ओ का एक मेजर साहब गए थे उन्होंने भी वहाँ विज़िट करके आ गए तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये जो पालस वैली है कुछ पालस ये टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब और फिज़िबल है इसलिए कि सैर गाज़ियाबाद से जब बंदा जाता है ऊपर हरान तो हरान भी एक सैर तफरी के लिए बेहतरीन एक पुर्फा मुकाम है उससे ज़रा आगे चलो तो शराकोट भी एक खुली और मैदानी जगह और इर्द गिर्द चारों तरफ जंगल का एक समा ये बेहतरीन एक सैर तफरी की जगह है उससे ज़रा शराकोट कंडो पर जाओ वहाँ चारों तरफ जंगल बीच में एक अजीब सा समा है वो एक सैर व तफरी की जगह है उससे आगे शवालडो जाओ तो वहाँ पर भी जंगल का एक झुरमठ है परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं वो कि है सयाह के लिए एक बड़ी दिलचस्प सा एक लम्हा होता है उससे आगे शरियाल पे जाओ तो शरियाल मैदान और आगे शरियाल और वहाँ नाला आ रहा है और चारों तरफ जंगल है ये भी एक अलग फिजा है और पुरफ़ा मुकाम है इसी तरह फिर आगे मुड़ू माली के लिए जो जंगल है टिप टिपटाप वहाँ पर जंगल से होते हुए मुड़ू माली तो इस रोड को उन्होंने बड़ा फिजिबल करार दिया आबादी भी ज़्यादा है इस एरिए में तो उन्होंने इसको फिजिबल करार देके फिजिबिलिटी भेज दी थी फिर मैंने वज़ी साहब वजी साहब से दो दफ़ा इस पर मैंने डायरेक्टिव लिए हैं और बड़ी लड़ाई लड़ी है आतिफ खान मिनिस्टर थे उस वक्त उनसे बात हुई फिर यहाँ पर जो हमारे टूरिज़म के जो एम डी साहब थे जुनेद साहब उन्होंने भी मेहरबानी की बिल अल्लाह ने किया कि गुज्ते दिनों वो कामयाब हो पास हो के मुड़ू मालिक के लिए तीस किलोमीटर रोड उसमें कोई माली और उसमें ये गंजा दोनों शामिल हैं ये तीस किलोमीटर टूरिज़म में ये मंजूर हो चुका है आन करीब इन शवाम को इसके टेंडर का ऐलान करूँगा खुशखबरी सुनाऊँगा ये आपको भी मुबारक हो और पूरे आवाम को भी मुबारक हो बड़ी अच्छी खबर है ठीक हो गया एम पी ए साहब आगे बात करते जाएंगे बात हमारी लंबी होती जा रही है हम तो रोड्स पे मैं आगे चल रहा था अब ये इसके अलावा कोले कला रोड उस पे आपको पता है कि मुझे पता चला है कि गुज्तर इस रमज़ान में माओ बहनों ने भी हमें दुआएं दी हैं ये तारीख में पहली दफ़ा इस तरह है कि कोले कला रोड को हमने अब आखिरी मराल पे हैं वहाँ मैदान पहुँचेगा इन उस पर हमने दो करोड़ रुपए रखे थे और काम हो चुका है अब आखिरी मराहल में इसके अलावा माहरीन के लिए मैंने दो करोड़ रुपये रखे हैं जो जजाल के सामने हैं पुल तैयार हुआ अब पुल दरिया सिंध पे पुल तो तैयार हुआ आगे रोड नहीं है बड़ा खूबसूरत लगता है हाँ तो, तो बड़ा खूबसूरत भी लगता है और बड़ा ज़रूरी भी है और ये इलाका इंतहाई पसमानदा भी है सदियों से ये पसमानदा रहा है उसके लिए मैंने दो करोड़ रुपए रखे हैं टेंडर भी हो चुका है तो इससे आगे फिर चलते हैं बटेड़ा की तरफ बटेड़ा का एक तो ये जो पुराना रोड है इसके सफाई के लिए पैसे मौजूद हैं मैंने बताया है कि इसको सफाई करके ताकि मोटर और ट्रक दोनों जा सकें बटेड़ा तक और उससे फिर बटेड़े से आगे जीर मैमन और ये इस इस एरिया के लिए मैंने एक करोड़ रुपए मजीद रखे हैं जो टेंडर हो चुका है अभी काम जारी है इसके अलावा मदाखिला के लिए मैंने एक करोड़ रुपये रखे हैं जिस पर काम जारी हैं और इन शाह वो भी मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक इस रोड को मैं बलीजे मैदान तक ना पहुंचाऊं। तो सैफुल्ला ये तारीख में अब ये जो तीन अरब दस करोड़ के रकम है ये सारी के सारी रिलीज़ नहीं होती नहीं हुई लेकिन इन पे काम जारी है उसमें से मैं आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताता चलूँ ये उसमें बुनियादी तौर पे हेड क्वार्टर हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट एडीपी में अट्ठाईस करोड़ रुपए हैं डिस्ट्रिक्ट एडीपी में उसमें रोड्स हैं और वाटर सप्लाईज हैं बहुत सारी स्कीमें हैं जो बहुत लंबी एक लिस्ट है और डीएचक्यू जो डिस्ट्रिक्ट जो क्वार्टर हॉस्पिटल है उसके लिए अठानवे करोड़ रुपए मंजूर है तो ये इस तरह का हॉस्पिटल है कि इसमें मर्दों का अलग वार्ड खातन का अलग वार्ड ऑपरेशन थिएटर अलग और उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे होंगे और उसमें तमाम शोबजात मौजूद हैं और डॉक्टरान के लिए मकानात भी मौजूद हैं और उसमें सिर्फ इस हॉस्पिटल में 220 सौ बीस क्लास फोर की मुलाजमतें होंगी ठीक तो ये अठानवे करोड़ का है जी इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सक्रट्रेट के लिए कोई 70 करोड़ रुपए ये मंजूर हो चुके हैं जो हमारे एडीपी में मौजूद है आप देख सकते हैं ये जबानी कलामी नहीं है ये डिस्ट्रिक्टवाटर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सक्रट्रेट ये दोनों स्कीमें और रेस्क्यू वन वन टू टू ये तीनों स्कीमें हमारे इस सूबाई ए डी पी में हैं जो इसम्बली ने पास किया है ठीक तो इसके अलावा इस लीज डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैंने वज़र अल से रिक्वेस्ट की थी उन्होंने सत्ताईस करोड़ रुपये हमें उसमें दिए हैं उस पर ये रोडों का काम शुरू है उसके अलावा मुड़ू माली रोड पर कोई साठ करोड़ रुपये हैं ये बहुत बड़ी एक पेशर रफ्त है मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्कबिल के लिए ये एक रोशन इकदाम है ठीक हो गया। और फ्लड फंड के हवाले से जो हमारे वाटर सप्लाई जो हमारे जो ये सैलाब से ज़्यादा ज़मीनें हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है हिफाजती प्रोटेक्शन बंद की उसके लिए भी हमारे पास कोई आठ दस करोड़ रुपये हैं जिसपे अभी टेंडर होगा इन दिनों में तो ये कुछ हमने किया है अब मैं आपको ये आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से इज्तमाही कामों पर मैं बिल्कुल मतमयन हूँ ये जो पैसे मैंने मंजूर कराए हैं जो काम मैंने मंजूर कराए हैं और ये मैं कोशिश करूँगी कि अपने ही दौर में इनको मुकम्मल कर लूँ इन आप तब्दीली महसूस करेंगे बदल जाएगा कोले पालस सरासर बदलेगा सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने कौम को शूर दिया है हमने सब चीज़ों को तमाम चीज़ों को तमाम इदारों की कारदगी को आवाम के सामने रखा है हमने महीने में दो तीन खुली कचहरियाँ करके अफसरान को लोगों से मुतारफ़ कराया है लोगों को अफसरान से मुतारफ़ कराया है आप देख सकते हैं कि पहले क्या था डिस्ट्रिक्ट कॉलेज पालस अब क्या है जब मैं मेंबर बना था तो पालस के इस बाजार में थोड़ी सी बारिश होती तो चलने का इम्कान नहीं था कीचड़ था मैं मेंबर जब मंतख हुआ हूँ फ़ौर हमने दरिया सिंध से पुल से लेकर गाजियाबाद आबाद शाहटी पुल तक ये पीसीसी करवाया उसके बाद वहाँ लाइटिंग कराई उसके बाद दुकानों की सफाई वहाँ अफसरान के लिए दफातर अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक गुलदस्ता अफसरान का भी तैयार है और उसके अलावा वहाँ पे एक हलचल भी है चमक दमक भी है तो अब बदला है कॉलेज पालस और मज़ीद बदलेगा अब जहाँ तक है इज्तमही कामों का तो मैं बिल्कुल मतमिन हूँ अल्लाह ताला मज़ीद भी हमारे हमें तरक्की हमारी कौम को तरक्की हदा फरमाएं अब मेरी कोशिश है कि अब मैं चूंकि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी कौम गरीब है इसके लिए मेरी कोशिश थी कि यह पुलिस की ऐसी नहीं मंजूर हो जो अल्लाह ने किया कि वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मंजूर हो चुकी तीन सौ बाईस पोस्टें उसमें हैं उस है। अब एक करारदाद मैंने और तैयार की है अपने नौजवानों को रोज़गार देने के हवाले से वो है जिस तरह चतराल स्काउट्स है वजरस्तानट्स है और ये एफ सी के जो प्लाटून होते हैं इसके यहाँ इसम्बली से करारदादा पस पास करके फिर वहाँ वजारत दिफा से फेडरल इदारा है वहाँ से मंजूरी लेनी पड़ती है मेरी कोशिश है कि मैं दो तीन सौ पोस्टें वहाँ से ले लूँ उसके अलावा पहले हमारे को ये पहाड़ी इलाकों के रोड्स के लिए कुली की पोस्टें हुआ करती थी वो डिमालश हो चुकी हैं मैं कोशिश में लगा हूँ उसके लिए मैंने एक करारदादा तैयार की है कि वो मैं इसम्बली से बाकी एम पी एज़ को भी अतमाद में लेके ये कुलीस के पोस्टें दोबारा हम बहाल कराएँ जिसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा अब हम आ रहे हैं रोज़गार के तरफ इनफरादी कामों के तरफ मैं कोशिश करूँगा कि हर खानदान को मैं फैसिलिटेट कर सकूँ अल्लाह ताला से तौफीक मांगता हूँ और एक जज्बे के साथ एक जुनून के साथ हम लगे हैं और मुझे अल्लाह के रहमत से ये उम्मीद है हम में कोई ऐसे ऐसे कोई कमाल हमारे अंदर ये कोई वो नहीं है स, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम एक तड़प रखते हैं एक जुनून रखते हैं इस पर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे और हमारे लोगों को वो तरक्की फरमाएंगे। एम पी ए साहब गुफगु काफ़ी लंबी हो चुकी है इन फिर कोशिश करेंगे एक नशस्त करें उसमें और चीज़ें भी कवर करें सवाल मेरे पास बहुत सारे रहते हैं मगर गुफ्तु हमारी लंबी हो चुकी है एक आखिरी गुजारिश है डॉक्टर्स की तरफ से ए डी एच ओ सी डॉक्टर जो कोरोना वायरस के हवाले से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इनको मुस्तकिल किया जाए इनके लिए मुफ्ती साहब सुबह इसम्बली में आवाज़ उठाएं ये मैं आपको दे भी देता हूँ ये डॉक्टरों की रिक्वेस्ट है ये आप रख लें और इस पर इन ताकि ये जो डॉक्टर्स कोरोना के हवाले से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं इनको मुस्तकिल किया जाए तो बहुत शुक्रिया आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे फिर हम इजाज़त चाहेंगे तो ये जो डॉक्टर्स ने ये भेजा है जी मैं इसका इन शाह त आपको यकीन दिलाता हूँ ये डॉक्टर्स हमारे लिए काबिल फ़्र हैं इन्होंने इस कोरोना के जंग में फर्स्ट पे और फ्रंट फर, लाइन पे ये लड़े हैं और इन्होंने मुकाबला किया है इनको इन्होंने अपने जान की बाजी लगाई है मैं उनको खराज तहसन भी पेश करता हूँ उनके खिदमत को सराहता हूँ और इन मैं कोशिश करूँगा कि इसम्बली की फ्लोर से इनके लिए आवाज़ उठाएँ और ये मैं आपसे लेता हूँ आखिर में एक बात सैफुल्ला खान चोड़ के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ yes. कि चोड़ वैली का जो तनाज़ा है वो आपको पता है कि चालीस पचास साल से चल रहा है exactly. उसमें अल्लाह के फजल करम से हमने जो किया है मैं अपने आवाम को वो ज़रा बताना चाहता हूँ पाँच इकदाम ऐसे हैं जो हमारे दौरे इकतदार में मैंने जो उठाए हैं ये पेशर रफ्त चोट के वाले से हुई है पहला उसमें ये है कि अलह की तरफ से एक शोर शब शराबा कुछ हमारे आ, 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 लोगों ने उठाया कि रोड बना वाकई उस पर मैंने इसम्बली में बात भी की तो वो रोड चूँकि ये मुतनाज़ इलाका है और उसमें रोड रखा था चोड़ अलाई टूरिज़म स्पाट्स तो उस रोड को मतनाज़ और ये अफेक्टेड होने की वजह से उस रोड को रोका गया जिस पर मैंने इसम्बली में बात की थी तो वो रोड फ़िलहाल रोका रोक दिया गया है पहली बात तो ये दूसरी बात यह है कि चोड़ के हवाले से इसम्बली की फ्लोर पर हमने दलाइल के साथ यह साबित किया है कि चोड़ बटगराम नहीं, नहीं।, नहीं है चोड़ अलई नहीं है चोर पालस का इलाका है इसमली फ्लोर पे जब जो बात होती है वो रिकॉर्डिंग भी होती है और वो मिनट्स भी लिखे जाते हैं तो ये पूरे सुबह के रिकॉर्ड में आ गया दूसरा इकदाम ये हुआ मेरे हवाले से तीसरा हमने उसमें यह इकदाम किया है कि आपको पता है कि चालीस पचास साल से पालस का हर बच्चा बच्चा हर जवान हर बूढ़ा चोर का तस्करा कर रहा था चोर को घरदानते रहे लेकिन अभी तक चोर के लिए रोड नहीं बना था मैंने जो अभी ये बारह करोड़ रखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चोर के लिए रोड के लिए रखे ये बर पालस का रोड बनेगा तो ये आखिर चोर चोर तक पहुंचेगा तो ये बारह करोड़ रुपए मैंने रख के इनशाला तल ये बंदोबस्त किया है कि इसी रकम में ये रोड चोर के हदूद तक पहुंचेगा तीसरा ये है चौथा कदम हमने ये उठाया है कि चोर के लिए हमने पुलिस चौकी का अहतम पहले से मंजूर शुदा था अब दोबारा उसे मंजूर कराया है और मौसम के ठीक होने के साथ साथ इन चोर में चौकी भी फंक्शनल होगी और उसके अलावा तो दलाइल तो पहले हमने दी हैं ये चार इकदाम पाँच इकदाम ऐसे हैं जो हमारे दौर में हुए हैं तो मज़ीद जो है इन शाला तल ये कमीशन के हवाले से भी मैं अपने कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि कमीशन के रिपोर्ट पर हम हम अपने सूबाई हुकूमत पर मतम हैं हमें अपने कमीशन पर भी पूरा अतमाद है और ये इन शाला तल रिकार्ड रेवन्यू रिकार्ड और बाकी तमाम इदारों के रिकार्ड से आगे पीछे नहीं जा सकेंगे इसलिए कि वजी अला खैबर पुख्तनख्वा ने अपने डायरेक्ट जो मैंने कराया है उसमें ये लिखा है कि ये कमीशन रूल्स और मेरठ को सामने रखकर गवर्नमेंट के सबका रिकॉर्ड को सामने रखकर अपने रिपोर्ट कर, कर, पेश करने का पाबंद होगा तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है इन शाला हमें उम्मीद है कि ये भी हमारे हक हाँ में आएगा बहुत बहुत शुक्रिया ये चंद गुजारशात थे बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपका काफ़ी लंबा टाइम हमने ले लिया है बहुत शुक्रिया इन फिर दोबारा एक नशस्त होगी उसमें फिर और सवालत हैं वो भी हम ऐड करेंगे तो नाजरीन आज का इंटरव्यू बहुत लंबा हो चुका है आपसे इजाज़त चाहेंगे एक नए प्रोग्राम में फिर एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा लल्लाफ़